चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मराठी में एक घोषणा देना चाहता हूँ, मेरे साथ आए वाले महाराज के सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, आप भी घोषणा दीजिए। ओ भाई रे, क्या जातिवादी सरकार से कलाई चकाए, जातिवादी सरकार से कलाई चकाए। मेरे साथियों को मैं महाराष्ट्र की ओर से सप्रेम जय भीम कहता हूँ। जय भीम। मेरे भाइयों, गए कई महीनों से हर देश में, यूपी में, हर राज्य में जो ये बीजेपी सरकार, जातिवादी सरकार, आरएसएस सरकार सत्ते में आए तब से हर दलित, हर अल्पसंख्यक, मोमिडन और बहुजनों के ऊपर होते रहे अत्याचारों के खिलाफ अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर जिले में जो दलित हत्याकांड हुआ था, वो हत्याकांड को न्याय देने का काम, आवाज उठाने का काम किया था वो भाई ने, बड़े भाई ने। उनके खिलाफ ये योगी सरकार ने, वो जातिवादी सरकार ने कई खोटे गुने दाखिल करके, कई गुने के नीचे उनको अरेस्ट करके जेल में डालने का काम किया भाइयों। इसके खिलाफ हर बार आप जो अपन दिल्ली में, सहारनपुर जिले में, हर राज्य में अपने अपने जहाँ से राज्य से आए हुए तरुणों ने जो वहाँ पे अपने अपना जैसा होता है वैसा आंदोलन करके ये शासन को दिखा दिया भाइयों। भाइयों, हम महाराष्ट्र में 18 जून से लेके आज 4-5 महीने से भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हर महाराष्ट्र में 36 जिलों में हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं भाइयों। हम 36 जिलों में काम करते हुए चंद्रशेखर आजाद भाई के समर्थन में 40,000 तरुण हमें एकजुटा किए भाइयों महाराष्ट्र में। वही इसके कारण से हमको पता चला है भाई के ऊपर जामीन हो गई है। हम खुशियाँ मना रहे थे, हम फटाके ताशे बजा रहे थे और सुबह ऐसा मालूम पड़ा कि चंद्रशेखर आजाद भाई के ऊपर रासुका जैसा, देशद्रोह जैसा खोटा गुना ये जातिवादी सरकार ने दाखिल किया है। उसके निषेधार्थ यहाँ पे अपन बड़े पैमाने से हर राज्य में से आए हुए भाइयों को मेरा पुनः से एक बार क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ भाइयों। भाइयों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, ये योगी सरकार ने भाई के ऊपर जो रासुका लगा दिया है, ये रासुका के खिलाफ हम महाराष्ट्र में 36 जिलों में आंदोलन किया है और ये योगी सरकार को बता देने चाहते हैं हम। ये मोदी सरकार को भी बता देना चाहते हैं, दलितों के ऊपर होते वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप जो कर रहे हैं संविधान के दायरे में नहीं बैठ रहा है, संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ रह के आप ये ऐसे गुने दाखिल कर रहे हैं। मैं आप तरुणों को, युवाओं को कहना चाहता हूँ, ये देश के अंदर और राज्यों के अंदर जो अपने बहुजन समाज के तरुण रहते हैं उनको मैं विनंती कहना चाहता हूँ, बोले भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो रासुका लगाया है उनके साथ जो कोई साथी है और जो संगठन में जुटे वाले हैं उनके ऊपर जो रासुका लगाए, वो अगर रासुका के खिलाफ खोटा गुनाह ये सरकार ने दाखिल किया है, मैं सरकार को विनंती करना चाहता हूँ कि आपके साथ सभी की ओर से आप तुरंत चंद्रशेखर आजाद भाई के ऊपर लगाए वाला है खोटा इल्जाम, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो खोटा इल्जाम है तुरंत वापिस ले, अन्यथा हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपन अलग तरीके से आंदोलन करके ये जातिवादी सरकार। इतना कह के मैं अपनी बात यहाँ पे रुकता हूँ। सभी साथियों का ओर से एक बार से महाराष्ट्र की ओर से मैं क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ। हम तुम्हारे साथ।